खापरखेड़ा क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त कचरा उठाव अभियान आज से शुरू किया गया है। बतौर यह है कि प्लास्टिक उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम एवं कचरे में फेंके जाने वाले प्लास्टिक से पर्यावरण और वन्य जीव पर घातक परिणाम हो रहा है, साथ ही ऑक्सीजन में भी बाधा पहुंच रही है। प्लास्टिक मुक्त प्लास्टिक कचरा उठाव अभियान को मद्देनजर चिचोली ग्राम पंचायत क्षेत्र से शुरुआत की गई। इस उपरांत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और खापरखेड़ा चिचोली परिसर में केयर कचरे से प्लास्टिक उठाकर ग्राम पंचायत चिचोली के घंटानंद गाड़ी में बोरी में भरकर डाला गया, साथ ही उसको चिचोली डंपिंग यार्ड में विलेवाट लगाई गई। इस अभियान के तहत खंड विकास अधिकारी अनिल नागने की प्रमुखता से प्लास्टिक मुक्त कचरा उठाओ अभियान की शपथ ली गई। इस अभियान के कार्यक्रम को जिला पशु संवर्धन अधिकारी केत की चिचोली ग्राम पंचायत के सरपंच पुरुषोत्तम चांदेकर, पंचायत समिति सावनेर गट विकास अधिकारी अनिल नागने, पंचायत समिति विस्तार अधिकारी साबड़े, ग्राम विकास अधिकारी विजय लंगड़े, पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर कुकड़े एवं चिचोली की ग्राम पंचायत सदस्य टीम का अभियान में समावेश था। जिला पंचायत और पंचायत समिति के अधिकारियों ने चिचोली में खुद होकर कचरे से प्लास्टिक उठाकर जनता को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्लास्टिक अभियान बद्दल आपला काय मत है? आज 24 ऑगस्ट ला आपण सावनेर प्लास्टिक मुक्त अभियान ला सुरुवात केलेली आहे। प्लास्टिक ही अतिशय जगातली गहन समस्या आहे। प्लास्टिकचं बायोडिग्रेडेबल नाही मटेरियल, त्यामुळे हे त्याचा कचरा हा हजारो वर्ष त्याचं विघटन होत नाही, त्यामुळे आपण प्लास्टिक मुक्त सावनेरचा अभियानाची आज 24 ऑगस्ट रोजी सुरुवात चिचोली गावामधून चिचोली ग्रामपंचायत चिचोली सरपंच चांदेकर साहेब यांच्या सहकार्याने संपूर्ण गावामध्ये आपण एक प्लास्टिक गोळा करून एक कचऱ्याच्या गाडीमध्ये संपूर्ण गाडी भरून आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी, ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांनी, पंचायत समिती सावनेरच्या सगळ्या मंडळींनी आज कचऱ्याचं संकलन करून प्लास्टिक मुक्तीची शपथ घेतलेली आहे। एनबीसीएन न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।